आज मैं आपको ऐसा सक्सेस से रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने अपने क्षेत्रीय रामलीला से शुरुआत करी, नोएडा फिल्म सिटी तक पहुंचे, मुंबई जाकर भी आए, एक्टर बने, डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी कभी किसी टाइम में रहे और आज एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। तो आज आपसे रूबरू कराता हूँ चंद्र प्रकाश गुप्ता जी। मैं जब रामलीला देखता था छोटे पे बचपन में तो बाहर की टीमें आती थी रामलीला करने के लिए बिहार साइड से, तो उनको देख करके लगता था कि हमें भी करना चाहिए, हम कर लेंगे। मतलब उनको देख करके उत्सुकता मन में लगती थी। तो देख के आने के बाद रात में हम लोग दिन में सवेरे जो है बच्चे आपस में जो संके थे हम लोग हम लोग करते थे तीर धनुष बना करके और मतलब सेम वही नकल उतार के हम लोग करते थे। तो मतलब एक इच्छा अंदर वहीं से जागृत हुई, रामलीला मन से ही। उसके बाद फिर बाहर की टीम नहीं आई एक बार हमारे चीनी मिल में, तो वहीं के स्थानीय कलाकारों ने किया, तो उसमें हम लोग भी शामिल हुए बच्चे वाली टीम में। एक गाने में हम लोगों ने छोटा सा रोल किया, वहाँ से और उत्सुकता बढ़ती चली गई, हौसला बढ़ा। क्या उम्र होगा ये जब ये सारी चीजें चल रही थी? उस समय यही उम्र होगी मेरे ख्याल 8-9 साल के लमसम में उम्र होगी, 7-8-9 साल में चस्का लग गया था। चस्का लग गया था उससे। तो उस समय टीवी भी तो कुछ हुआ नहीं करते थे, खाली स्टेज रामलीला का ही मंच था और बाकी स्कूल में था 26 जनवरी या 15 अगस्त में। तो 26 जनवरी 15 अगस्त में हम लोग भाग लेते थे स्कूल के अंदर, कभी नाटक में कभी गाने गाने में। तो उत्सुकता बस हम लोग मौका छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे इसी तरीके से इच्छाएं बढ़ती गई, फिर डायरेक्शन का मन करा कि चलो डायरेक्शन भी करेंगे। तो समय के अनुसार जब समय आया तो मैंने डायरेक्शन भी किया। सबसे पहले मैंने एक एल्बम डायरेक्ट की, तूने मुझसे मोहब्बत की। एक्टर होने में और डायरेक्टर तक का सफर है, कैसे कैसे दोनों डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीजें रहती हैं एक्टर होने में और डायरेक्टर होने में? एक्टर होने में ये था कि हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरा जो डायरेक्शन देगा वो आप करेंगे। हाँ, मतलब दूसरे पे हमें निर्भर रहना पड़ता था कि यार वो हमें अगर कोई रोल देगा, डायरेक्शन करेगा तब हम कर पाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं कर पाएंगे। मतलब एज ए हम दूसरे पे डिपेंड रहते थे। पता लगा उन्होंने एंड वक्त पे मना कर दिया था, मैं ये रोल आपसे नहीं कराऊंगा, मैं किसी और से कराऊंगा, तो वहाँ निराशा हाथ लगती थी। ऐसे भी मौके आते थे, तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि ऐसा ना करा जाए कि मेन इसी चीज को पकड़ा जाए, डायरेक्शन को ही पकड़ा जाए। फिर आप एक मेकर बन के उभरने की सोचने लगे? हाँ, तो फिर मैंने कहा कि डायरेक्शन ही करके तब आगे बढ़ा जाए, एक्टिंग तो कभी भी कर लेगा जी। एक्टिंग अगर जहन के अंदर है कि एक्टिंग करना है तो वो तो कभी भी कर लेगा, लेकिन डायरेक्शन बड़ा टफ था। तो इसलिए मैं फिर डायरेक्शन लाइन में गया। तो मैं यहाँ से पहले बसें चलती थी दिल्ली जाने के लिए, ट्रेन नहीं चलती थी, तो मैं दिल्ली जाता था और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे मैं रात में वैसे ही सो जाता था। मतलब इतना जुनून था मेरे अंदर कि मैं अकेले यहाँ से टनकपुर वाली बस पकड़ के निकल जाता था और वहाँ से सवेरे उठ करके जो है मैं नोएडा जाता था। उस समय नोएडा फिल्म सिटी बन चुकी थी, तो मरवाह स्टूडियो था वहाँ पे। तो मरवाह स्टूडियो पे जाके गेट के बाहर मैं खड़ा रहता था। 3-4 चांस गया, मेरे को मौका नहीं मिला, वहाँ अंदर जाने की एंट्री नहीं मिली क्योंकि जान नहीं थी किसी से। फिर किसी से मेरा लिंक बना, एक योगेश जी करके थे नोएडा के पास में ही उनका था, तो उनका एक सीरियल शुरू हो रहा था। उस समय नए नए सैटेलाइट चैनल आ रहे थे जी, अभी शुरुआत हुआ था, सोनी चैनल आया था और भी 2-4 चैनल अभी शुरुआत हुए थे, उससे पहले तो दूरदर्शन ही था। तो वो उसके लिए कर रहे थे, वो डायरेक्टर थे, तो मेरी उनसे किसी ने मतलब बातचीत कराई, तो फिर मैं उनके सानिध्य में 1 महीना रहा। उन्होंने एक सीरियल शूट कर रहे थे, वो मतलब फौजियों के ऊपर शूट कर रहे थे जी। सीरियल उनका कंप्लीट हुआ, चैनल उन्होंने कोई पकड़ना था, लेकिन इत्तेफाक से उनका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर बीच में ही प्रोजेक्ट उनका बंद हो गया। लेकिन इतने दिनों में मेरे को ये रहा कि मैं डायरेक्शन के गुण सीख गया उनके संग, मतलब एज एडी काम कर रहे थे अपन के साथ, एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं जो है मतलब थोड़ा गुण उसमें सीख गया, मैंने कहा चलो ये तो अच्छा होगी, चलो इतना मेरे को मौका मिला उन्होंने, मतलब अच्छा समझाया उन्होंने। उसके बाद से फिर मैं आया अपने इस फील्ड में, फिर मैं यहाँ से बॉम्बे भी गया, बॉम्बे भी स्ट्रगल किया 2-4 जगह, लेकिन उतना चांसेस नहीं बना जी, क्योंकि घर की परेशानी थी, 60 बहनें थी, मुझे वापस भी आना पड़ जाता था, अकेला मैं घर का पिताजी बस, तो इसलिए भागम भाग
और जिम्मेदारियां कई बन जा रही थी, तो कहीं भी मतलब एक जगह रुक नहीं पा रहा था मैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको टोक के, कि काम क्या अपनी कला के वजह से या टैलेंट की वजह से मिलता है या नेटवर्क की वजह से? नहीं नहीं, वैसे तो टैलेंट की वजह से मिलता है, अगर आप में टैलेंट है तो नेटवर्क तो बन ही जाएगा जी। और टैलेंट नहीं है तो नेटवर्क कितना भी आप बना लो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लिया किसी ने आपकी सिफारिश करी, आपको काम मिला, आपने काम नहीं कर पाए जी, फिर आप बेकार हो गए वहाँ से। तो टैलेंट तो बहुत जरूरी है ना, बिना टैलेंट के तो आपको काम नहीं मिलेगा। सिफारिश भी कहीं ना कहीं मायने रखती है? नहीं, मायने तो रखती है सिफारिश, तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन सिफारिश भी जब ही होती है ना कि जब हमारे में कुछ होगा। कुछ नहीं होगा तो सिफारिश करा के भी क्या करोगे, क्योंकि सामने वाले की भी इज्जत जाएगी। भाई मान लिया अगर आपके पास कोई पावर जैक है, आपने लगा लिया, उनने लगा दिया और आप में कुछ है नहीं, तो उसके बाद तो आप बेकार, और जैक लगाने वाला भी बेकार, क्योंकि वो फिर दोबारा किसी की सिफारिश नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ से मैं घर आया वापस, बॉम्बे नहीं हो पा रहा था क्योंकि सही लाइन नहीं मिल पा रही थी, यही मायने में रखा। फिर वहाँ से मैं वापस आया, आने के बाद फिर मैं बिटवा बाहुबली में असिस्टेंट मैनेजर का मैंने काम किया, अच्छा सूट हुआ वहाँ, बढ़िया रहा, पिक्चर भी अच्छी चली। उसके बाद मैं फिर यहाँ आया किच्छा, हाँ किच्छा, अच्छा मैं लौट के आया, तो फिर मैंने जो है एल्बम की तैयारी करी जी। तो उन्हें मुझसे मोहब्बत की, उसमें अमित गुम्बर जी जो प्रोड्यूसर थे जी, तो वह एल्बम हमारी बहुत अच्छी सूट हुई, बहुत अच्छी चली, हमने उसके अंदर 3 विज्ञापन भी डाले एज ए खर्चा निकालने के लिए, उसका भी रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला, आगे भी और मिल रहे थे। फिर उसके बाद हमने एक भक्ति एल्बम शूट करी, एक तिवारी जी थे या गंगापुर के पास एक गांव है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है, चलिए कोई आगे। हाँ तो उनकी उनकी मतलब एक भक्ति एल्बम बनाई हमने, उसमें हल्द्वानी के आर्टिस्ट लिए थे जी, हल्द्वानी के आर्टिस्ट थे उसके अंदर, वो भी बहुत अच्छी रही। 2 एल्बम मैंने डायरेक्ट करी उस समय। उसके बाद फिर बीच बीच में मुझे बॉम्बे की यूनिट जो यहाँ आती थी नैनीताल शूट करने, तो वो लोग मुझे काम दे देते थे, जैसे पूरा फिल्म का, जी हमारी फिल्म शूट करा दो, पूरी व्यवस्था कर दो, तो वो भी हम करते रहते थे, लाइन प्रोडक्शन करते थे। हाँ वो भी हम लोग यहाँ करते रहते थे। और बीच बीच में छोटे मोटे सीरियल शूट होते थे, शॉर्ट फिल्में शूट होती थी, उसमें भी अगर एक्टिंग का रोल मिल जाता था तो एक्टिंग कर लेते थे, कोई कोई भी काम मिले हम लोग कर लेते थे, क्योंकि ये जुनून ऐसा है ना, इस जुनून में आदमी ऐसा उतर जाता है कि अगर उसको इस लाइन में कोई भी काम मिल रहा है तो वो हटता नहीं, वो कहता है यार चलो कर लो, क्योंकि एक शौक है दिल के अंदर, और जुनून रहेगा तभी कामयाब होगा। सही बात, और जुनून नहीं रहेगा तो कामयाब नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है मतलब अभी चल ही रहा है काम, थोड़ा 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 थोड़ा, घर की परेशानियाँ भी आती हैं संग में। अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी करंट जो है मैं एक फिल्म पे वर्क कर रहा हूँ करंट, जिसमें मैं एज ए हीरो जो है अपने लड़के को लेके जाऊँगा, अपनी बिटिया को, ना ना लड़के को, लड़के को, लड़के, क्या नाम है, तैयारी कर रहा हूँ, युवराज गुप्ता, युवराज, हाँ उसको मैं हीरो लेके करूँगा। फिल्म का नाम भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जैसे मैं सलमान खान हूँ नाम रखा है। अच्छा, मैं सलमान खान, बहुत बेहतरीन नाम उसका मैंने नाम रखा। पिक्चर भी बहुत मतलब अच्छी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ उसको। फोन पे हमारी बातचीत चल रही थी, आपने बताया कि आप पूरा आपका जो फैमिलियर है वो पूरा फिल्मी, हाँ, है। पूरा फिल्मी। तो बिटिया क्या करती है? बिटिया भी यूट्यूबर है, वो अपने यूट्यूब पे बनाती रहती है, अभी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म कर रही है, वो आखिरी खत नाम है उसका। अच्छा, उसको मुहूर्त हो गया। अच्छा, वो आप ही डायरेक्ट कर रहे होंगे? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो कर रहा है, हम लोग यही शूट कर रहे हैं उसकी। बेटा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है? हाँ बेटा म्यूजिक में इंटरेस्ट रख रहा है। पत्नी? वो एक्टिंग कर लेती है, उसने भी एक एल्बम करी है मेरे संग, भोजपुरी एल्बम करी है, हाँ तो वो भी काफ़ी अच्छा गाना उसका रहा था, फर्स्ट बार में किया था लेकिन अच्छा उसने इंप्रेशन दिया। जो आने वाली युवा है, युवा पीढ़ी जो इस लाइन में आना चाहते हैं आर्टिस्टिक या एंटरटेनमेंट फील्ड में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा ना कि इस लाइन में आए, लेकिन दो दूर के ढोल सुहाने वाली बात सुन के ना आए। दूर के ढोल सुहाने वाली होती ना, अरे हम जाएंगे वहाँ, हम जाते ही एक्टर बन जाएंगे। जब तक अपने अंदर एक आर्टिस्ट का जन्म पूरी तरीके से ना हो जाए, मैं तो कहूँगा तब तक वो इस फील्ड में ना आए और ना कहीं दूर जाए, क्योंकि आधे अधूरे में जाना अपने आप को बर्बाद करना है। आधे अधूरे में जाना अपने आप को बर्बाद करना है, क्योंकि घर से पैसे लेके जाएंगे, सही बात, और पैसे हो जाएंगे खर्च, क्योंकि आता कुछ नहीं है और चले जाते हैं लोग। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा लड़का वहाँ गया वापस आ गया, तो वापस क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया कि उसको आता ही नहीं है, काम ही नहीं आता है, लेकिन हाँ शौक है, उन्हें अगर एक स्टेज पे डांस कर लिया तो उसे लगता है कि मैं एक्टर बन गया,
अब तो मैं मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया, लेकिन नहीं, जब तक पूरी तरीके से अपने आप में विश्वास नहीं हो जाए इस लाइन में नहीं आना चाहिए। कभी मुंबई जाने का मौका मिला? हाँ, मुंबई जाने का मुझे दो बार मौका मिला, दो बार गया हूँ, लेकिन वही कि घरेलू परेशानी से मैं रुक नहीं पाया, साथ साथ बहने अकेले पिताजी का, तो मेरे को वापस आना पड़ जाता था, इसलिए मैं बॉम्बे रह के स्ट्रगल नहीं कर पाया, जो मैं कर रहा हूँ यहीं रह के कर रहा हूँ। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? आगे आने वाली तो मेरी एक फिल्म है और एक सीरियल मैं सोच रहा हूँ कुमाऊनी भाषा में बनाने के लिए, खुद एज ए प्रोड्यूसर। हाँ, दोनों चीज़ जो ये, बाकी एडिटिंग भी मैं ही करूँगा, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे मुझे इतनी परेशानी आई थी, जब मैंने एल्बम शूट किया था सबसे फर्स्ट चांस में जब डायरेक्ट किया था मैंने, तो हमने खटीमा उसकी एडिटिंग करा रहे थे जी। खटीमा में बात हुई, अब वो क्या करता था बंदा, हमें बुला के पूरी पूरी रात बैठा लेता था, काम नहीं करता था। मैं इतना परेशान हो गया ना एडिटिंग के चक्कर में, उसके बाद मैंने कहा मैं खुद एडिटिंग सीखूंगा, तो मैंने फिर खुद एडिटिंग सीखी, मैंने दो तीन एल्बम खुद ही मैंने एडिट करी, तो अब मतलब जो है मेरे को इतना वो हो गया है कि मैं अब किसी पे निर्भर नहीं हूँ। कैमरा मैं खुद चला लेता हूँ, ठीक है, कैमरा रिपेयर भी कर लेता हूँ, डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हूँ मैं, एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, एडिटर भी और एडिटर भी, और प्रोड्यूसर भी बन गया। प्रोड्यूसर तो हो ही जाता है, प्रोड्यूसर तो हो ही जाता है, जब उसे आगे कुछ लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं से पैसा लगा देता है, लेकिन पैसा भी आदमी को जब लगाना चाहिए ना, जब उसे इस बारे में समझ हो, नहीं तो होता क्या है 10 रुपये की चीज़ को बनाएगा 100 रुपये में और बिकेगी वो 9 रुपये में, होता यही ना, क्योंकि नहीं है नॉलेज तो ऐसे ही करते। तो मैं इन चीज़ों में बहुत मैंने धक्के खाए, जब धक्के खाए तो मैंने कहा इसकी पूरी ABCD कर लो अपने जेब में, तब जा कर के ये काम में सफल होगा आदमी। तो आज की डेट में मेरे को मतलब ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई एंड मौके पे कहता है ना कि मैं आपका काम छोड़ के जा रहा हूँ तो जा सकता है, मैं कर लूँगा, मतलब मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं ये काम कर लूँगा। अगर मेरा कैमरामैन धोखा देता है तो मैं कैमरा चला लूँगा, लाइट वाला धोखा देता है मैं लाइट का काम कर लूँगा। तो आप मल्टी टैलेंटेड हो गए। हाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना इस चीज़ों की जानकारी लिए अगर आदमी इस लाइन में आता है तो बर्बाद हो जाएगा। एज ए एक्टर आता है तो कोई बात नहीं, अगर एज ए प्रोड्यूसर आता है तो वो बर्बाद हो जाएगा, बहुत प्रोजेक्ट ऐसे बंद हो गए क्योंकि उन्हें पता होता नहीं है कोई चीज़ 10 रुपये में बननी है, बना रहा 100 रुपये में। एक मेरा था कि आपने कहा कुमाऊनी भाषा में आप एक सीरियल बनाएंगे, तो रीजनल सिनेमा का स्कोप उतना बड़ा नहीं पाया जितना हिंदी सिनेमा का है या फिर हिंदी के सीरियलों का है, तो कहाँ टेलीकास्ट होते होंगे ये जो कुमाऊनी वगैरह? कुमाऊनी का मेरा ये ना, जैसे हमारे उत्तराखंड में दूरदर्शन उत्तराखंड जो शुरू हुआ है, उत्तराखंड दूरदर्शन, हाँ, तो मेरा मकसद ये है कि मैं उस पर बात करूँगा, अगर मेरा वहाँ से बात बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो मैं फिर यूट्यूब एक चैनल बनाऊँगा, उस पर मैं डालूँगा मॉर्निंग सीरियल जो है मैं उस पर डालूँगा, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो लिख रहा है वो सीरियल, तो हम उसको भी जल्दी मतलब शूट करेंगे, और स्थानीय कलाकार ही उसमें रहेंगे कुमाऊँ वाले, क्योंकि उनके अलावा तो कोई और दूसरा कर नहीं पाएगा, ना लुक आएगा उसमें। सही बात, तो हमने स्थानीय जो कुमाऊँ कलाकार हैं उन्हीं को हम छाट रहे हैं, उन्हीं को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रख के हम शूट करेंगे, मतलब एक रिस्क है वो हमारा, लेकिन वो रिस्क मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, मैं कम से कम मैं तैयार कर लूँगा और मैं उसमें इनकम भी कर लूँगा, क्योंकि अगर मान लिया मैंने उसमें 4-5 विज्ञापन डाल लेता हूँ तो मैं अपना शूट लायक खर्चा निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे किसी को देना नहीं है, मैं खुद अपने आप स्वयं करूँगा, कैमरा मैं खुद ले रहा हूँ, लाइट का मैंने मंगा लिया है किट, मेरी 45,000 की लाइट की किट आ रही है, बेबी किट एक आती है उन्होंने मंगा लिया, वो आ जाएगी एक आध हफ्ते में मेरे को आ जाएगी, बाकी कैमरा निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कैंटीन से, और ये कैंटीन जो होती है ना, मेरा एक मित्र है वो कह रहा मैं वहाँ से निकलूँ आदमी, तो वहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे क्या जब मेरा खर्चा नहीं होगा किसी भी उसमें, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तो मेरे को कहीं भी लॉस होने का डर नहीं है जी, क्योंकि लॉस आदमी का वहाँ होता है ना जहाँ उसका डबल खर्चा होता है, क्योंकि पता होता नहीं है, डबल खर्चा उसका हो जाता है, तो इसलिए मैं कम खर्च में ज़्यादा बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क उठाऊँगा कुमाऊँ वाला। हालांकि कुमाऊँ फिल्में बनी, लोगों को लॉस हुआ, उसके बाद किसी ने कुमाऊँ फिल्म बनाने या कुमाऊँ सीरियल बनाने की आज तक सोची नहीं, बिल्कुल सब हिंदी सिनेमा की तरफ। हाँ, और ना तो यहाँ की सरकार उतना सपोर्ट कर रही है, यहाँ की सरकार भी उतना सपोर्ट नहीं करती कि हम कुमाऊँनी भाषा को आगे बढ़ाएं। हालांकि मैं कुमाऊँ से नहीं हूँ, मैं तो पूर्वांचल से हूँ, लेकिन मेरा जन्म के बाद से मेरा जो है यहीं पर लालन पालन पोषण जो भी, मैं इतना बड़ा हुआ यहीं पे हुआ, तो मुझे यहाँ की संस्कृति भाती है, तो
मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है यहाँ वाला तो मैं तो करके देखूँ। हाँ, ये एक बार मैं तो करके देखूँ। सर, फिल्म जो हमारे दर्शक हैं फिल्मी चाणक्य के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारा चैनल देखता होगा कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक फील्ड या एंटरटेनमेंट फील्ड में रुचि रखता होगा, तो वही देखता होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि फिल्मी चाणक्य चैनल जो है आप बरोबर देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि इसको देखने से आपको जो है ना, जो आप भ्रमित रहते हैं वो भ्रमित आपका जो है मिट जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी लोग ये इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी बैकग्राउंड ये उसमें दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कहाँ सोए, कहाँ खाए, क्या करा, कितने दिन भूखे प्यासे रहे। उससे आपको एक नई दिशा मिलेगी कि वाकई में ये बंदे ने इतना स्ट्रगल किया है तब जाके आज यहाँ पहुँचा है। तो हमारे सामने भी ये परिस्थितियाँ आ सकती हैं, तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और बाकी चैनल आप देखेंगे तो हो सकता है वो ये चीज़ ना दिखाएं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप फिल्मी चाणक्य चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट तो करेंगे। हाँ, शेयर और कमेंट करते रहें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, इतना समझ लीजिए आप। बाकी इंटरव्यू जब आपने पूरा दिखा होगा तो सर ये समझ में आ गई होंगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।